स्टूडेंट्स, आई एम शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 शुरू होने वाला है वेक्टर्स का। वेक्टर्स में हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 3 में जो पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, तीनों लॉ हमने डिटेल्ड मैनर में स्टडी किए थे और उसमें मैंने 2 रिजल्ट आपको निकाल के बताए थे मेरे प्यारे बच्चों। वो थे r = a² + b² + 2ab cos थीटा, ये था रिजल्टेंट का। और जो दूसरा मैंने बेटा जी निकलवाया था वो था b sin थीटा upon a plus b cos थीटा। ये 2 फार्मूले जो थे मैंने आपको डिटेल्ड मैनर में अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। जिन बच्चों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो देख के आओ, तभी लेक्चर नंबर 4 जो है वो आपके दिमाग में सेटल होगा। अदरवाइज ये लेक्चर नंबर 4 आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो जो आलसी बच्चे हैं वो फंडू का टेलीग्राम चैनल लाइक कर लीजिए और बाकी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए, ताकि हम लोग आज न्यूमेरिकल्स जो हैं, ट्राइंगल लॉ, वेक्टर लॉ के सारे लॉज के जो हैं वो सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो डिटेल्ड मैनर में पढ़ने शुरू करें। अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो हमारे पास क्या है, पहला न्यूमेरिकल, एक बॉडी है बेटा, वो दो, उनकी दो वेलोसिटीज है, ठीक है। एक की वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वो ईस्ट की तरफ है, और दूसरी है वो 40 मीटर पर सेकंड, वो टुवार्ड्स नॉर्थ जा रही है। और भाई साहब हमको बोल दिया गया है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल के बताओ। अच्छा, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो क्या तंगी है भाई हमारे पास, हमको निकाल के दिया एक फार्मूला, हम वो यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा फार्मूला था रिजल्टेंट का, कौन सा फार्मूला था रिजल्टेंट का, जो मैंने ये वाले शीट के ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो V1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, V1 का वैल्यू आ गया 30 मीटर पर सेकंड और V2 का आ गया आप लोगों के पास 40 मीटर पर सेकंड, और ये वाला था टुवार्ड्स ईस्ट और ये वाला था टुवार्ड्स नॉर्थ। और हमको बोला गया कि रिजल्टेंट निकालो, और ये मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया, ठीक है। और इसमें एंगल टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल कितना हो गया प्यारे बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। सो रिजल्टेंट निकालना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी फॉर्मूला पुट करिए, फिर चाय भी पियेंगे। तो आ गया V1 square, यहाँ पर आ गया V2 square + 2V1V2 cos थीटा, ठीक है। तो बेटे बच्चों देखो क्या है इसमें, यहाँ पर क्या करेंगे, V1 कितना था 30 का स्क्वायर, V2 कितना था 40 का स्क्वायर, +2 × 30 × 40 × cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, 0। तो क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों के पास, यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो गया 900 और 40 का स्क्वायर हो गया 1600, और R कितना आ गया प्यारे बच्चों, R आ गया 2500, और इसका रूट किया तो 25 मीटर पर सेकंड आपके पास जो है, 50 मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास आंसर निकला है, 50 मीटर पर सेकंड जो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास आंसर निकला है। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, बट इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि आपके पास 2 फोर्सेस हैं, एक है 5 न्यूटन की और दूसरी है 7 न्यूटन की, और उसको कितने एंगल से इंक्लिनेशन करा गया है 60 डिग्री पे, और फिर से रिजल्टेंट फोर्स निकाल के बताओ क्या है यार इसमें, कुछ नहीं तो है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ए दिया हुआ है, ए कितना है 5, बी कितना है 7 और थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या कर लिया, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो r किसके बराबर में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, r आ गया यहाँ पे, a का वैल्यू कितना था 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 49, यहाँ पर आ गया 2 × 5 × 7 और साथ में लगा दिया गया cos 60, क्या लगा दिया गया cos 60। इन सभी का वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो रूट में वैल्यू आएगी वो आ रही है मेरे प्यारे बच्चों 109, उसका रूट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10.44 न्यूटन,
10.44 न्यूटन। तो देखिए कि कितने इजी इजी क्वेश्चन जो है यहाँ से आ रहे हैं हमारे पास वेक्टर में से। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। पहले सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स लगाइए, 5-6 न्यूमेरिकल्स लगाइए, फिर उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, फिर आपको नीट लेवल के करवाएंगे, देन आपको जो कॉम्पिटिशन लेवल के अलग अलग कॉम्पिटिशन लेवल के भी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको चैनल पे करवाऊंगा, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि दो फोर्सेस हैं, एक है पी और दूसरा है 2p न्यूटन, ठीक है। वो एक्ट कर रहा है पार्टिकल के ऊपर। अगर हमने सोच किया कि पहली फोर्स जो है वो डबल हो गई है और सेकेंड वाले को इंक्रीज कर दिया है बाई 20, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स चेंज नहीं किया, तो वैल्यू निकाल के बताओ कि पी का कितना होगा। वैल्यू निकाल के बताओ कि पी का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे किया जाएगा ये देखिए, हमारे पास फर्स्ट केस में क्या है, इन फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ये जो टेन ऑफ बीटा है ना, जो टेन ऑफ बीटा है वो किसके बराबर में है, 2p sin थीटा अपॉन अपॉन p+2p cos थीटा। ये तो सिंपल था, वो पहले मैंने रूल लिखा लिख रखा। अब हम कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे कि फर्स्ट वाली फोर्स को डबल कर दिया जाए और दूसरी वाली को क्या कर दिया जाए, बाय इंक्रीज बाय 20, इंक्रीज बाय 20। फॉर सेकंड केस के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या करेंगे इसमें, वो आ जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू 2p+20 sin थीटा अपॉन, फर्स्ट वाली को डबल करना था और सेकंड वाली में इंक्रीज करना था बाय 20। क्या करना था, इंक्रीज करना था बाय 20। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप कंपेयर कर लीजिए, तो क्या आ गया यहाँ पे, 2p sin थीटा अपॉन p+2p cos थीटा इज इक्वल टू 2p+20 sin थीटा अपॉन 2p+2p20 cos of थीटा, cos of थीटा आ गया, ठीक है। आपके पास एक रूल हुआ करता है, a/b = c/d इज इक्वल टू a-c/b-d, और यही रूल इस पे इंप्लीमेंट कर दो। ये आ गया b, ये आ गया a b c और d, ठीक है, a-c/b-d। और इसको जब बेटे आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास जो 2p होगा ना वो 20 के बराबर में आ जाएगा, और आपके पास कटिंग जो हो जाएगी उसके विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास p निकल आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल आएगा 10 न्यूटन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला ये वाला आपने इंप्लीमेंट करना है इसके ऊपर, और आपके पास रिजल्ट जो है वो छट से बाहर निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टू वेक्टर्स बोथ इन इक्वल मैग्नीट्यूड और उसका रिजल्टेंट भी जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्लियर का मतलब ये है कि पिछली वाली जो फोर्स दी थी उसका रिजल्टेंट भी उसके बराबर में, और हमको बोला है कि एंगल निकाल के बताइए। तो पहले सबसे पहले ये लिखेंगे कि जो तीनों फोर्सेस है ना पी क्यू, उसका रिजल्टेंट वो तीनों क्या है, इक्वल है, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो आर किसके बराबर में आ गया बेटा, आर आ गया p² + q² + 2pq cos of थीटा, cos of थीटा। तो आर की जगह पर क्या लगा दिया, p लगा दिया, और इधर आ गया p² + p² + 2p² क्योंकि p2p हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो p² + p² कितना आ गया प्यारे बच्चे, 2p² + 2p² cos थीटा। दोनों साइड मेरे बच्चों क्या कर दो, अब दोनों साइड स्केयरिंग कर दो, तो क्या आ जाएगा, p² = 2p² + 2p² cos थीटा, cos थीटा। तो p² = 2p² यहाँ से कॉमन निकाल लिया, और इधर आ गया 1+cos थीटा, कितना आ गया 1+cos थीटा। पी स्क्वायर के साथ मेरे प्यारे बच्चों पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/2 किसके बराबर में बच रहा है, 1+cos थीटा। तो 1 - 1/2 - 1 =
कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस 1 बाई 2। और कॉस का ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जो -1/2 के बराबर में रहता है? होता है cos 60। तो थीटा कितना आ गया बच्चे? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो कितना इजी इजी क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इतने इजी वे से निकल रहे हैं देखो। और हर एक पॉइंट को मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर मैं अब हमारे पास एक एनसीईआरटी क्वेश्चन के बगैर हमारी कभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई फट्टू के ऊपर। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है कि एक मोटर बोट है वो रेसिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर करंट है वो कितनी स्पीड से चल रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर एट दी 60 डिग्री एंगल ईस्ट और टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शंस बना लेंगे। ये हमारे पास आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है कि जो मोटर बोट है वो किस डायरेक्शन में चल रही है? वो डायरेक्शन चल रही है नॉर्थ में, मतलब वेलोसिटी ऑफ मोटर कितना आ गया? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमारे पास जो वाटर करंट है वो कितने डिग्री से, वो कितनी स्पीड से चल रहा है? वो चल रहा है, वाटर करंट जो है वो बेटा जी चल रहा है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। और कितना एंगल बना रहा है वो? 60 डिग्री। तो रिमेनिंग कितना बच गया मेरे बेटा है? 120। कितना बच गया? 120, क्योंकि टोटल हमारे पास 180 होता है। बोला गया कि रिजल्टेंट निकाल के बताओ। ये आपके पास आ गया इसका रिजल्ट, और इसको हमने सपोज कर लिया V, क्या सपोज कर लिया इसको? V सपोज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा V² m, V² w प्लस 2 V m V w cos ऑफ 120। ठीक है, तो आप लोगों ने अब वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, ये आ गया 25 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 2 × 25 × 10 × cos 120। और cos 120 मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? cos 120 मेरे पास होता है -1/2। कितना होता है? -1/2। तो यहाँ पर कितना आ गया वैल्यू? 21.8 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन में बड़ा इजी सा काम था कि उसने बोला था ईस्ट ऑफ साउथ के बीच में है, मतलब 60 डिग्री तो वो था, तो रिमेनिंग के बीच में हमने एंगल लेना। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर 60 डिग्री लेके आंसर निकालेंगे, बट ये देखना है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो रिजल्टेंट उसके बाकी पोर्शन में ही बनेगा। ठीक है, रिजल्टेंट उसके बाकी पोर्शन में ही बनेगा। तो बच्चे यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए जो अलग अलग कैटेगरी के थे, एनसीईआरटी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ स्कूल बोर्ड के क्वेश्चन, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो बहुत जल्दी मैं आपके पास एमसीक्यू की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, 50 MCQ की सीरीज वन शॉट में। बड़ा अच्छा था, हम लोग वहां से न्यूमेरिकल्स निकाल के बताएंगे आप लोगों को, उसके एमसीक्यू सारे डिटेल में सॉल्व करवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जवान जय।